लोकसभा सचिवालय प्राइड द्वारा आयोजित फ्रेंच भाषा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोकसभा की महासचिव श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव, प्राइड के प्रभारी अधिकारीगण, कर्मचारी साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे अधिकारी और कर्मचारी फ्रेंच भाषा की सीखने के लिए उत्सुकता के साथ यहाँ पर आए हैं। हमारे एडिशनल सेक्रेटरी श्री गणपति भट्ट जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्राइड संस्था इस देश की नहीं पूरे विश्व की प्रशिक्षण और प्रबोधन में एक प्रमुख संस्था बने। हम केवल सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी नहीं, समाज के सभी क्षेत्र, सभी वर्ग, सभी समुदायों को ठीक तरीके का प्रशिक्षण करके उनकी स्किल को कैसे रीस्किल कर सकते हैं, इसके लिए प्राइड एक महत्वपूर्ण संस्था बने हैं। और इसी दिशा के अंदर हमने भारतीय भाषाओं के अलावा विश्व की अन्य भाषाएं भी का भी प्रशिक्षण प्राप्त करें और लोकसभा सचिवालय जिस तरीके का लोकतंत्र का मंदिर है, 130 करोड़ जनताओं की भावनाओं की अभिव्यक्ति का केंद्र है, उसी तरीके के लोकसभा सचिवालय भी यहाँ संपूर्ण देश के कर्मचारी अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शन का केंद्र बने हैं। और उसके लिए आवश्यकता है कि हमारी दक्षता, हमारी कुशलता अन्य से बेहतर होना चाहिए, हमारी कार्यकरण की क्षमता, उसकी गुणवत्ता अन्य कर्मचारी अधिकारियों से बेहतर होनी चाहिए। और इसी दिशा में हमने काम करना शुरू किया है और इसका परिणाम धीरे धीरे पूरे देश देखेगा कि किस तरीके से लोकसभा सचिवालय ने अपनी दक्षता कुशलता को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और हम एक मार्गदर्शन की भूमिका के रूप में यहां पर काम कर रहे हैं। हम जानते हैं इस देश के अंदर हर कदम कदम पर, हर किलोमीटर पर भाषाएं बोलियां परिवर्तन होती है। आधिकारिक रूप से आज भी संसद एक ऐसा लोकतंत्र का मंदिर है जहां 22 भाषाओं में माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है और 22 भाषाओं में हमारे इंटरप्रेटर भी
बेहतरीन तरीके के अनुमोदक के रूप में काम करते हैं, लेकिन देश विविधता का देश है, यहां भाषा की विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, हमारे सामाजिक रीति रिवाज पहनावा सबकी विविधता का केंद्र बिंदु संसद है। और इसीलिए कहते हैं कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, अलग अलग पहनावा, अलग अलग सामाजिक रीति रिवाज, अलग अलग सांस्कृतिक पहचान, लेकिन सारी विविधता को एक साथ जोड़ता है, इसलिए समृद्ध भारत है। और भाषाएं एक दूसरे को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भाषाएं हमको समृद्ध भी करती है और भाषाएं हमें सामाजिक रूप से जोड़ने का काम भी करती है। और इसीलिए भाषा व्यक्ति के निर्माण के साथ उसकी कार्य दक्षता को बढ़ाने का काम भी करती है। किसी एक व्यक्ति को जितनी ज्यादा भाषाएं आएगी, भारतीय भाषाओं के अलावा अगर विदेशी भाषा भी आती है तो स्किल बड़ी होती है, वह समृद्ध होता है, उसकी कार्य क्षमता अधिक होती है और उसके साथ साथ इस दक्षता के कारण उसकी अलग पहचान भी होती है। और इसलिए हमारी अलग पहचान होना चाहिए, क्योंकि किसी जमाने में अपना अपना देश अपने अपने कार्यों के आधार पर, अपने अपने व्यापार के आधार पर, अपनी नीतियों के आधार पर समृद्ध होता था, लेकिन आज सारा विश्व एक दूसरे के पूरक बन चुका है। इसलिए आज बड़ी आवश्यकता है कि हमें, अगर हमारे देश को आगे बढ़ाना है, उसकी विकास को, उसकी गति को बढ़ाना है, तो हमें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया में बहुत परिवर्तन हुए हैं और इस परिवर्तन के समय हमें अपने आप को प्रासंगिक बनाना होगा, रिलेवेंट बनाना होगा, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें अपनी भाषाओं से समृद्ध भी होना पड़ेगा, विश्व की अन्य भाषाओं से भी समृद्ध होना पड़ेगा। और ये काम कोई कर सकता है तो लोकसभा सचिवालय ही कर सकता है। इसलिए मैंने कई बार गणपति भट्ट जी से आग्रह किया था कि हमारे यहां के अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यक्रम में व्यापक दक्षता और सुधार लाते रहे। सुधार एक नियमित प्रक्रिया है। हमारा लक्ष्य दुनिया के बदलते परिप्रेक्ष्य में हमने अपने आप को सुधार की गति को बना के रखा, हमारी कार्यक्षमता और दक्षता को बदलते परिप्रेक्ष्य के अनुसार ढाल के रखा, तो हम बेहतरीन कार्यक्रम कर सकते हैं। और लोकसभा सचिवालय इसके लिए
निश्चित रूप से लगातार प्रयास करता रहता है। क्योंकि हम देश के अन्य हिस्सों के में भी जाते हैं, हमारे संसदीय शिष्टमंडल, चाहे आईपीओ हो चाहे सीपीए हो, अन्य संसदों से हमारे संसदीय कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोकतंत्र में भारत सबसे मजबूत लोकतंत्र, पारदर्शिता लोकतंत्र और दिशा देने वाला लोकतंत्र हो। दुनिया के सभी संसद के सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी भारत की संसद में आकर प्रशिक्षण प्राप्त करें, उसके लिए हमें उन सब देशों की भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक है। जब ही हम ठीक तरीके से उनका प्रशिक्षण कर पाएंगे, उनसे आदान प्रदान कर पाएंगे और हम भाषा में स्किल होंगे तो भाषाओं के माध्यम से उनसे जुड़ पाएंगे। और मुझे विश्वास भरोसा है आपकी कार्य क्षमताओं पर कि आने वाले 3 साल हमें इसी लक्ष्य की ओर चलना है कि दुनिया में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में हमारे कुछ अधिकारी और कर्मचारी प्रशिक्षित रहे। मैं नहीं कहता कि पूरा सचिवालय ही प्रशिक्षण प्राप्त करे, लेकिन जिसकी जिसमें रुचि हो, जिस भाषा में रुचि हो, हम कम से कम एक सेक्टर के अंदर कुछ अधिकारी अलग अलग भाषाओं को का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो पूरा सचिवालय के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त और भाषाओं को बोलने वाले हमारे लोकसभा सचिवालय के अधिकारी हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी देन होगी और इसकी भाषाओं के कारण ही हम एक दूसरे से अधिक नजदीक आ पाएंगे, जुड़ पाएंगे और लोकतंत्र को सही दिशा दे पाएंगे। क्योंकि लोकसभा ही ऐसा केंद्र है जहां से पूरे देश में संदेश और दिशा जा सकती है। जब मैं देखता हूं कि अलग अलग एम्बेसी के लोग अपने साथ उनकी भाषाओं के साथ हमारी हिंदी इंग्लिश की भाषाओं के इंटरप्रेटर को भी लाते हैं, उससे में उनको आवश्यकता न पड़े, लोकसभा सचिवालय के अधिकारी हर भाषा के हैं। दुनिया में जितनी भाषा बोली जाती है लोकसभा के अधिकारी उन भाषाओं को बोलते हैं और बोलने के साथ प्रशिक्षण देने का भी काम करते हैं। इसलिए प्राइड की हम दिशा परिवर्तन करने वाले हैं। प्राइड प्रशिक्षण की दिशा में एक सर्वोच्च संस्था जब बनेगी, जब हम हर सेक्टर के अंदर एक प्रशिक्षण देने की प्रमुख संस्था बन पाए और इसी लक्ष्य की ओर हमें काम करने की दिशा हमने तय की है कि समाज के नए नौजवानों को, समाज के अलग अलग सेक्टर के लोगों को कुछ भी प्रशिक्षण प्राप्त करना हो तो वह प्राइड से संपर्क करें।
और हमारे पास देश और दुनिया के बेहतरीन प्रशिक्षण देने वाले लोग हमारे पैनलिस्ट रहे, ताकि समय समय पर हम इस लोकसभा सचिवालय का उपयोग समाज की ज्ञान वृद्धि में कर सकें, उनकी स्किल में वृद्धि में कर सकें, उनकी कार्य क्षमताओं और दक्षता की बढ़ोतरी में कर सकें। हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे कर्मचारियों की दक्षता, कार्य क्षमता सबसे अधिक मजबूत है, मार्गदर्शन देने वाली है। मुझे आशा है कि आपने आज इस भाषा का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुझे लगता है कि कुछ अधिकारी आने वाले समय में फ्रेंच भाषा में प्रशिक्षित हो जाएंगे। इसका बहुत बड़ा लाभ लोकसभा सचिवालय को मिलेगा, देश को मिलेगा। हम अन्य देशों से जोड़ने का बट जी से भी कहूँगा कि एक अलग अलग ग्रुप बनाए और विश्व की कितनी भाषाएं हैं जो अधिकतम देशों में चलती है, उन सबका प्रोग्राम चौकआउट करें और जिसमें इंटरेस्टेड हो, रुचि हो, उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार और नियमित चलता रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज फ्रेंच भाषा सीखने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि उत्साह के साथ आपने भाग लिया। निश्चित रूप से जितनी भाषा व्यक्ति को आती है उतना ही उसकी कार्यक्षमता में विस्तार होता है, और ये हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि मैं अधिकतम भाषा को सीखूं, जानूं, बोल पाऊं। ये उत्साह में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।